सो हेलो एंड वेलकम भाई लोग। तो गाइस कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 18 पर। तो गाइस माफ़ करना, ये एपिसोड थोड़ा लेट आया। तो आज की इस एपिसोड में मैं जो आयरन फार्म बनाया था अपने पिछले वाले एपिसोड पर, उसको फिनिश करने वाला हूँ। और इसके लिए मुझे इधर टोटल 20 विलेजर्स को लाना है, क्योंकि मैंने पिछले वाले एपिसोड पर, आप लोग जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तो इसको मैंने बनाया था। बस इधर दो स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म है एंड एक किल चेम्बर है, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी इधर विलेजर्स को लाना है ताकि ये फार्म वर्क करने लगे। और अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। तो शुरू करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। ओके गाइस, तो मुझे फास्ट जो काम करना है वो है विलेजर्स को लाने से पहले इधर मुझे कैप्सूल बनाना है, ताकि मैं इधर विलेजर्स को ला के कंटेन करवा सकूँ। तो मुझे ये कैप्सूल दोनों साइड पर बनाना होगा। तो इसके लिए मैं अपना जो ये वाला ब्लॉक है, ये सेंटर ब्लॉक है, तो मैं हर डायरेक्शन पर टोटल चार चार ब्लॉक करके जाता हूँ, ताकि इधर एक रूम टाइप बना रहे और मुझे विलेजर्स को इधर लाने में एंड उसके बाद इन सभी को इधर जॉब देने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इधर एक ग्लास से अपना एक पहले प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, फिर इससे इसको हम लोग ग्लास का बॉर्डर यूज़ करके कवर कर देंगे, ताकि इधर मैं विलेजर्स को ला के कंटेन करवा सकूँ। और ऐसा ही मुझे सेम चीज़ उधर भी बनाना है, ठीक है। और ब्रीडिंग का जो काम है, मतलब मैं टोटल इधर दो विलेजर्स को लाऊंगा, फिर उन सभी को मैं इधर ही ब्रीड करवाऊंगा, ताकि ये थोड़ा अपना टाइम भी सेव होगा। तो मुझे अभी इसको थोड़ा बहुत ऊंचा कर देना है, ताकि इधर विलेजर्स भाग ना जाए इधर से। तो ये वाला अपना सेकेंड कंटेनर है, जिसको भी मैंने अभी फिनिश कर दिया है। अभी इसका मैं छत तो नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी इधर विलेजर्स को लाना है। और आप लोग देख सकते हो गाइस ये कैसा दिख रहा है। तो अभी मुझे जाना है और विलेजर्स को लाने हैं, लेकिन उससे पहले बहुत काम है, क्योंकि मुझे अभी विलेजर्स को अपने जो ब्रीडिंग एरिया है उधर से लाना है। और इसके लिए मैं इधर रेल का यूज़ करूँगा। तो आप लोग देखो बस मुझे कितना ज़्यादा रेल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग बनाते हैं। तो गाइस पहले मुझे इधर स्टोन ब्रिक का एक लाइन लगा देना है एंड इसके ऊपर मैं रेल लगाऊंगा, ताकि इधर रेल लगाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और बीच पर अगर कोई होल आए तो वो स्टोन ब्रिक से कवर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने इस पूरे एरिया में अभी स्टोन ब्रिक का यूज़ कर लिया है, और ये अपने अभी आयरन फार्म के ठीक नीचे है। तो अभी बस कुछ नहीं करना है, मुझे इसके ऊपर अभी रेल को प्लेस करना है, रेल आयरन पावर रेल का। तो उसको भी हम लोग जल चल के करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं रेल लगाना शुरू करता हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रेल का यूज़ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं इधर पावर रेल भी लगाते हुए जाऊँगा, ताकि अपना जो माइनकार्ट है वो कभी स्लो ना हो जाए। और इस ये रेडस्टोन टॉर्च भी लगा देते हैं हम लोग। तो गाइस मैं अपना जो ये जो आयरन फार्म है ये इतना ज़्यादा दूर इसलिए बना रहा हूँ, ताकि जब मैं अपने क्रीपर फार्म पर एफ के रहूँगा तो मुझे उधर से आयरन भी मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ मकसद है मेरा, और फ्यूचर में मैं उधर और शायद एक या फिर दो फार्म डाल देंगे। तो पहले इसको बना लेते हैं फटाफट से। तो गाइस मेरा अभी रेल लगाना पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ मैं अपने आयरन फार्म के भी नीचे ठीक पहुँच चुका हूँ। तो मुझे अभी जो काम करना है, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ कि अपना ये जो ट्रैक है, रेल ट्रैक है, ये कितना बड़ा है। तो आप लोग देखो बस मुझे कितना ज़्यादा रेल का यूज़ करना पड़ा है, और साथ ही साथ मैंने स्टोन ब्रिक का भी यूज़ किया। और बाद में मुझे पता चला कि यार स्टोन ब्रिक का यूज़ नहीं करते तो भी चलता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी इधर से विलेजर्स को लाना नहीं, पहले मुझे और भी काम करना है। ओके, तो मुझे अभी चाहिए केल्प, और मेरे पास सिर्फ 13 ही है, लेकिन 13 से काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा और बहुत चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरे पास बोन मिल तो है इधर ही, शायद मेरे घर पर है। ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इधर ही बोन मिल मिल जाएगा अपने माइन के एरिया पर। इधर मैंने एक छोटा सा कंपोस्टर वाला फार्म बनाया था, तो इधर से मैं बोन मिल कलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर से मुझे अभी थोड़ा सा केल्प चाहिए, थोड़ा सा नहीं मतलब लगभग 2 स्टैक के आसपास तो चाहिए चाहिए। तो गाइस आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मुझे केल्प क्यों चाहिए। तो मैं इधर एक इलेवेटर बनाना चाहता हूँ, वो भी वाटर के थ्रू, जिधर से मैं विलेजर्स को ऊपर तक आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। तो अभी मुझे इधर एक बकेट वाटर डालना है, और मुझे इस वाटर में चढ़ते हुए नीचे जाना है, और कुछ ब्लॉक भी साइड में लगाना है, ताकि इधर मैं एक ट्यूब बना सकूँ, और इस पूरे जो वाटर है इसको मैं सोर्स ब्लॉक पर बदल सकूँ। तो मैं कुछ इस टाइप से इसको पूरे नीचे तक ले जाना चाहता हूँ, तभी मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं अभी नीचे पहुंच चुका हूँ, और मैं इधर एक पहले थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, ताकि विलेजर्स को जाम में इधर लाऊं, तो वो लोग इधर से एस्केप ना कर जाए। तो मैं इधर कुछ ग्लास एंड कुछ वॉल लगाकर इसको बंद कर देता हूँ। तो नीचे अभी थोड़ा सा मैं डार्ट लगा देता हूँ टेम्पोरारी,
तो इसके नीचे मतलब इस डार्ट के जगह मुझे सोल्सल लगाना है। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ और जो जो केल्फ है उसको प्लेस करके मैं इधर बोन मिल कर देता हूँ, तो वह अपने आप ही उधर ग्रो हो जाएगा। तो मैं पहले ऊपर चढ़ता हूँ और अभी मुझे इधर लगाना है अपना ये जो केल्फ कहाँ चला गया, तो मुझे अभी इधर केल्फ लगाना है नीचे और इसको पूरा ग्रो करके ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। तो अभी मैं इधर बोन मिल कर देता हूँ। तो बीच में मेरा थोड़ा बहुत बोन मिल खर्च हो गया था, तो मैंने इधर एक बटन भी प्लेस करना भूल गया था। तो गाइस अभी मैं ग्रो करता हूँ इसको, मुझे लगता है कि इधर कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं अभी अपने साइड का रिवर्स इसको ग्रो करके ले आया हूँ अभी। तो अभी मैं इसको प्लेस कर देता हूँ फटाफट से पूरे के पूरे ऊपर तक। तो अभी मुझे इस डार्ट को तोड़कर इधर एक सोल सन रख देना है, बस ये बन जाएगा अपना एक इलेवेटर। तो कुछ मैं इस टाइप से अपना जो विलेजर्स है वो ऊपर तक चला जाएगा, एंड ये बहुत ही फास्ट है। तो मैं अभी ऊपर चलता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, एंड जो केल्फ है बाकी जो केल्फ है उसको मैं कलेक्ट करके अभी नीचे चलता हूँ। और अभी बाकी है मतलब अभी बढ़ी है गाइस अपने विलेजर्स को लगाने का। तो मैं तो अभी अपने विलेजर्स के एरिया पर पहुंच चुका हूँ और पहले ये वाला विलेजर्स को मैं भेजूंगा क्योंकि इसके पास कोई भी जॉब नहीं है एंड इसको मैं अच्छे काम के लिए यूज़ करूँगा। तो तुम जाओ बेटा, तो मुझे एक और चाहिए, तो तुम चलो, तो तुम्हें मुझे चाहिए अभी, तो चलो चलो इधर बैठ जाओ आराम से। अरे नहीं नहीं, तो गाइस रात होने वाला है तो ये लोग अभी सो चुका है। ऑलराइट, तो मैंने भी इधर सो गया और सुबह हो गया है अभी, और अभी मुझे ये वाला विलेजर चाहिए। तो चलो भाई तुम चलो जल्दी से, तो तुम्हें मैं अच्छे काम के लिए ले जा रहा हूँ भाई, तुम चलो जल्दी से चलो, तो इधर बैठ जाओ फटाफट से। और इसके दोस्त अभी, अबे नहीं नहीं, तो शायद ये इसका दोस्त है, ये इसके लिए पीछे पीछे आ गया इसके गुड बाय बोलने के लिए। चलो ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करके इधर से चला जाता हूँ। और ये जो स्केलेटन हॉर्स है इसके लिए मैं कुछ बनाऊँगा, तो पहले मैं इसको तोड़ कर अभी चलता हूँ इधर से। ओके गाइस, तो मेरा विलेजर इधर पहुंच चुका है और मैं इधर टेम्पोरारी थोड़ा बहुत कवर कर देता हूँ ताकि ये लोग भाग ना जाए और मुझे इधर काम करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे माफ़ करना गाइस कि मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तभी मुझे इन सभी को पुश करके उधर तक ले जाना है, मतलब उस एलिवेटर तक। तो मुझे इधर अभी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, तो देखते गाइस। ओके, तो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद एक विलेजर्स अभी इधर फंस चुका है और इसको मुझे थोड़ा सा अभी धक्का देना है। ओके, तो ये चला गया गाइज अपने पूरे उस टीप तक चला जाएगा अभी ये। तो मुझे अभी इसको भी सेम टू सेम करके ऊपर ले जाना है। तो अभी दोनों विलेजर्स ऊपर जा चुका है और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ ऊपर ताकि मैं इस टीप को बंद कर सकूँ एंड और कुछ काम करना है। तो अभी मैं ऊपर पहुँचता हूँ फटाफट से, तो देखते हैं हम लोग ऊपर तो पहुंच चुके। ओके, तो ये लोग तो इधर आते ही बच्चा देना शुरू कर दिया है, तो नाइस नाइस, मुझे ये तो चाहिए। तो मुझे इन लोगों को ब्रीड भी करवाना है इधर ही। ऑलराइट गाइस, तो अभी लव पार्टिकल शुरू हो चुका है और मुझे अभी जल्द से जल्द एक बार इधर बेबी विलेजर्स देखने को मिल जाएगा। अबे क्या हो गया, तो गाइस शायद मेरे इधर होने के कारण ये लोग बेबी विलेजर्स नहीं देगा, तो मैं इधर से चला जाता हूँ पहले, ये लोग शर्मा गए हैं। और मैं सील टच मतलब अपना जो फॉर्चून वाला पिकेक्स है इसको मुझे रख कर आना चाहिए। तो पहले मैं इधर कवर कर देता हूँ और मैं इधर एक बनाना चाहता हूँ एक रेलवे ट्रैक इधर भी, ताकि इधर से मैं विलेजर्स को उस ट्यूब तक मतलब उस प्लेटफॉर्म तक आसानी से ले जा सकूँ। तो गाइस मैं एक बार के लिए अपने माइंड पर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे अभी इधर से चाहिए फ्लिंट ताकि मैं आसानी से फ्लेचिंग टेबल बना सकूँ, क्योंकि इसके थ्रू ही मुझे अपने विलेजर्स को जॉब भी देना है। और मैंने थोड़ा खाना भी ले लिया है, व्हीट वगैरह, ताकि मैं उन लोगों को दे सकूँ। और एक चीज़ के बारे में मैं तो भूल ही गया था, तो मुझे अभी चाहिए नेम टैग ताकि मैं उन विलेजर्स को दे सकूँ ताकि वो लोग उधर से डिस्पोन ना हो जाए। और ये जो नेम टैग है ये मैंने इस विलेजर से, तो नहीं ये विलेजर नहीं, तो एक और विलेजर है, तो ये वाला तो 8 ML पर दे रहा है, तो वो मुझे दे रहा था 2 ML पर, तो क्या तुम लोगों में से वो हो, तो ये लोग तो नहीं है उसके, मतलब वो पूरा मैक्स आउट है। ठीक है, शायद ये वाला विलेजर्स हो सकता है क्या। तो हाँ गाइस, इसके पास से ही मैंने इतने सारे नेम टैग खरीद कर रखे थे। तो गाइस मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि जो बेबी विलेजर्स थे वो डिस्पोन हो चुके हैं। और मैंने फिर से इन लोगों का भी खाना दे दिया है और ये लोग फिर से अभी ब्रीडिंग शुरू कर दिया है।
और मैं अभी इधर वेट करता हूँ इन लोगों के ग्रो होने तक। तो गाइस टोटल मुझे इधर 2 दिन एएफके करना पड़ा, 2 दिन मैं अपने क्रीपर फार्म कर एएफके कर रहा था। तो अभी इधर बहुत सारे विलेजर्स अभी हो चुके हैं और ये जो ग्रीन वाला विलेजर्स है ये मुझे अभी नहीं चाहिए, इसको मुझे मारना पड़ेगा। तो पहले मुझे इसको हटाना है क्योंकि ये किसी काम का नहीं, ये ना तो कोई जॉब लेता है ना तो कुछ भी नहीं करता है, बस सोते ही रहता है। तो मुझे अभी इन लोगों को जॉब भी देना है और साथ साथ इन लोगों को मुझे नेम टैग भी दे देना है। तो जिस बंदे को ये जॉब चाहिए उसको मैं अभी नेम टैग कर देता हूँ। तो विलेजर से मैंने नेम रख दिया है, तो मुझे कुछ इस टाइप से अभी इन लोगों को इधर जॉब भी देना। तो गाइस पहले मैं इधर से 2 विलेजर्स को ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इधर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये लोग यार बहुत ज़्यादा अपन आपस में यार मेरे साथ कुछ गलत सीन अभी हो चुका है। एक विलेजर से भाग चुका है और इसको मुझे अगर ट्रैप करना है तो मेरे पास तो अभी माइन कार्ड भी नहीं है, तो देखता हूँ क्या कर सकते हो इसके साथ में। तो गाइस मेरे पास अभी एक मस्त प्लान आ चुका है और मैं इनको जॉब देगा लूट कर सकता हूँ। तो देखते हैं पहले ये जॉब एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ओके तो ये प्लान अपना काम कर जाएगा, तो इसको जल्द से जल्द करते हैं हम लोग। तो गाइस ये बंदा अभी पानी में गिर चुका है और मुझे लग रहा है कि ये अभी मरने वाला है, तो लेकिन नहीं, इसको मैं बचा के रहूँगा। मैं इसको अपने हाथों से ही बचाऊँगा, ठीक है। मैं कोई भी ब्लॉक का यूज़ नहीं करूँगा इधर, इसको मैं अपने हाथों से बचाऊँगा। और ये बंदा भी ऑलराइट गाइस, तो मेरा एक प्लेटफॉर्म अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इधर मैंने 10 विलेजर्स को जॉब भी दे दिया है और साथ ही साथ इन सभी को नेम टैग भी मैंने दे दिया है। तो इधर मैं अभी लीप से इन सभी का छत बना देता हूँ ताकि इधर आयरन गोलेम ना स्पॉन हो जाए और साथ ही साथ ज़ॉम्बी भी ना स्पॉन हो। तो गाइस मैंने इधर टोटल 3 ही विलेजर्स को लाया था क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर 3 ही एक्स्ट्रा हो रहा था और एक तो मर गया वरना 4 हो जाता इधर। तो पहले मैं अंदर चलता हूँ और ये जो तीसरा वाला विलेजर से इसको जॉब दे देता हूँ और साथ ही साथ नेम टैग भी। तो पहले मैं इसको जॉब देता हूँ। और गाइस आपने नोटिस किया शायद आयरन गोलेम भी अभी स्पॉन हो चुका है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। तो अभी मुझे इन लोगों को खाना देना है और इधर मुझे फिर से एएफके करना है ताकि ये लोग बेबी दे और वो बेबी अभी ग्रो हो पाए। तो गाइस एक बार से मैं इस चेस्ट को चेक कर लेता हूँ क्योंकि इधर आयरन गोलेम स्पॉन हो रहा था। तो हाँ गाइस इधर टोटल 3 आयरन गोलेम स्पॉन हो, 3 या 4 आयरन गोलेम स्पॉन हुआ था और इसके साथ साथ मुझे इंक सैक भी मिल रहा है जो काफ़ी अच्छी बात है। तो फाइनली गाइस थोड़ा बहुत एएफके करने के बाद मुझे इधर टोटल 10 विलेजर्स अभी मिल चुका है और अभी मैं इन लोगों को जॉब भी दे दिया है और बाकी है बस नेम टैग देने का। और आयरन गोलेम भी गाइस इधर स्पॉन होने लगा है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है, यानी कि अपना आयरन जो मतलब आयरन जो फार्म है वो काम कर चुका है। तो मुझे बस इसका अभी छत डालना है, बस ये फार्म पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी अपने इस कीपर फार्म पर एप के रहूँगा और मुझे कीपर भी मिलेगा मतलब गन पाउडर भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा। तो गाइस शायद से आयरन ओके, तो उधर गाइस स्क्विड स्पॉन हो रहा है। तो गाइस एक्चुअली मेरा ये जो फार्म है ये रिवर के ऊपर है, तो इसलिए इधर स्क्विड एंड फिश स्पॉन हो रहा है, तो ये तो अच्छा बात है मेरे लिए। तो मुझे वो दोनों भी मिल जाएगा, लेकिन आयरन गोलेम अभी तक मुझे नहीं दिखा है, तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं। ओके तो अभी ये दिख चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो कि ऊपर एक आयरन गोलेम अभी स्पॉन हो चुका है और वो अभी नीचे जाएगा और वो डायरेक्ट किल हो जाएगा। तो अभी ये फार्म पूरा परफेक्टली काम कर रहा है, तो मैं अभी बस इधर एएफके करूँगा, मुझे गन पाउडर भी मिलेगा एंड आयरन भी मिलेगा। तो मैं इधर एक और फार्म बनाना चाहता हूँ जिसका काम मैं नेक्स्ट एपिसोड से शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो बस गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।